Okay, let's begin with the next session, which is revision session 7 for Companies Act for CA Foundation. LLP वैसे आपके सिलेबस में पहले दिया हुआ है, बट पहले कंपनीज एक्ट कर लेते हैं, फिर LLP पे हम लोग चलेंगे. तो कंपनीज एक्ट अगर आप स्टार्ट करोगे तो बेसिकली व्हाट इज कंपनी से स्टार्ट होता है, उसकी एक डेफिनेशन आपकी दी हुई है यहाँ पे. ठीक है, आपको चीफ जस्टिस मार्शल, उसके साथ साथ 220, दो ही डेफिनेशन याद करनी है. 220 जिसमें से कंपल्सरी याद रखना है हमेशा, जो कंपनीज एक्ट की है, एक और डेफिनेशन आप कोई भी याद कर सकते. वहां से आगे बढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ द कंपनी आप देखेंगे, चार तरह के फीचर्स हैं. ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल. सेपरेट लीगल एंटिटी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको आप लोग यहाँ पे अलग अलग केसेस के थ्रू भी देखेंगे, जिसमें से पहला केस आता है मैक्यूरा वर्सेज नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. मैक्यूरा के केस में क्या हुआ था, बेसिकली मैक्यूरा एक होल्डर ऑफ नियरली ऑल, मतलब सारे शेयर इसके पास थे एक्सेप्ट वन, मतलब 99.99 शेयर इसके पास थे और 1% शेयर, 0.01% शेयर किसी और के पास था. ठीक है, he was, in fact, 99%, 99 मत लिखिए, ठीक है, और 1% शेयर किसी और के पास था. अब he was also a major creditor of a company, कंपनी का एक बहुत बड़ा क्रेडिटर भी था. इसने इंश्योरेंस ले लिया किसके नाम पे, अपने नाम पे, यही उसने गलती हो गई. प्रॉपर्टी किसकी थी, कंपनी की, ना इंश्योरेंस किसके नाम पे था, अपने नाम पे. इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया ये कहते हुए कि भैया प्रॉपर्टी किसकी है, कंपनी की है, तो कंपनी को लेना चाहिए, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सभी इंडिविजुअल पर्सन अलग से होता है. ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता है, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में वो कंपनी विल गो. इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, एवरी मेंबर हैज अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंड ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, उससे ज्यादा उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी रेज नहीं कर सकते हैं. अगला है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, क्रिएटेड इन द आईज ऑफ लॉ एंड कैन बी रिस्टोर्ड ओनली बाय द लॉ. एक और टर्म है कॉमन सील, पहले के समय बहुत यूज होता था, बट आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 इस पर्टिकुलर टर्म को एबॉलिश कर दिया गया. कॉमन सील वाज बेसिकली अ सिग्नेचर ऑफ कंपनी, नाउ टू डायरेक्टर्स और आइदर वन डायरेक्टर एंड वन सीएस कुड साइन द पेपर एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी. अब कॉमन सील ऑप्शनल हो गया है. ठीक है, इसके बाद आपका आता है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी. एक पर्दा होता है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में. ठीक है, उसके मेंबर्स के बीच में एक पर्दा होता है. पर्दे का मतलब क्या है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जबकि मेंबर्स डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं. ठीक है, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको एक केस याद करना पड़ेगा, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड. केस के फैक्ट आपको याद होने चाहिए, एक इंसान, उसकी एक पत्नी, एक बेटी, चार बेटे, उसने अपना बिजनेस बेच दिया, किसको, कंपनी बनाई, कंपनी को बेच दिया, उस कंपनी को बेचने के एवज में उसने कुछ पैसे लिए, कुछ शेयर्स लिए और कुछ डिबेंचर लिए. कंपनी उसके बाद लॉस में चली जाती है, जब लॉस में कंपनी चली जाती है तो क्या होता है, लिक्विडेशन तक चली जाती है कंपनी. जब लिक्विडेशन तक जाती है तो उसमें क्या करना पड़ता है, सारे एसेट्स सेल ऑफ करते हैं, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करते हैं. क्रेडिटर में भी पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे ऑफ करेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में सबसे पहला नाम इसी का रहता है क्योंकि डिबेंचर होल्डर ये रहता है. सारे पैसे इसको दे देते हैं, क्रेडिटर कहता है, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है वो कोर्ट जाते हैं और कहते हैं भाई तो गलत हुआ, यही बिजनेस का मालिक था, यही बिजनेस कंपनी को बेचा, कंपनी के सारे शेयर भी इसके पास थे, सारा मैनेजमेंट भी इसके पास था. कोर्ट कहती है नहीं, कंपनी अलग है, चलाने वाले अलग है, तो वो जिस कैपेसिटी में कंपनी को रन कर रहा है उस कैपेसिटी में उतने पैसे के लिए वो एलिजिबल है. तो जब वो डायरेक्टर कैपेसिटी में है तो अलग है, ट्रेडर डिबेंचर होल्डर कैपेसिटी में वो अलग है, उसको पैसा मिलेगा. और यहीं से कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी एस्टैब्लिश हो जाती है. कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी एस्टैब्लिश होने के बाद एक टॉपिक आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट भी कर सकते हैं, कैसे लिफ्ट करेंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पे जो पर्दा है उसको उठा के देखना पड़ता है कि उसके पीछे कौन एक्चुअल ब्रेन है, एक्चुअल माइंड है जो काम कर रहा है. वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, सबसे पहले कंपनी का ट्रू करेक्टर डिटरमाइन करने के लिए कि कंपनी फ्रेंड है कि एनिमी है. लेट्स से कोई कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो उस तरह के देश से आते हैं जो कि एक एनिमी नेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी भले ही इंडिया में रजिस्टर्ड होगी, इंडियन कंपनी दिख रही होगी, पर उसके पीछे ब्रेन कहाँ का है, एनिमी कंट्री का है. तो उसको हम लोग पर्दा उठा के देख सकते हैं कि उसके पीछे कौन बैठ के काम कर रहा है. फिर होता है कि अगर कंपनी बनाई गई है विद द इंटेंशन टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, तो वो भी ये काम कर सकते हैं, मतलब वहां पे भी पर्दे को उठा के देखा जाएगा कि कंपनी बनाने का असली पर्पस क्या है. इसके बाद टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, किसी तरह के लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए अगर आप कंपनी बना रहे हैं, अगेन कंपनी बना के देख, कंपनी के पर्दे को हटा के देखा जाएगा, कॉर्पोरेट वेल को अपलिफ्ट किया जाएगा, देखा जाएगा उसके पीछे कौन लोग हैं, एंड अकॉर्डिंगली वहां पे पनिशमेंट या फिर एक्शन लिया जाएगा.
वहां पे कंपनी और उसको चलाने वाले लोग एक ही माने जाएंगे। और अगला है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरी टू एक्ट एज एन एजेंट। और आखिरी है, इसमें ये केस भी बड़ा मजेदार है, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल बट कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इट इन ऑन नेम। तो उसने क्या किया, एक सब्सिडियरी बनाया और उसके नाम पर अप्लाई किया। तो वहां पर सब्सिडियरी का पर्दा उठा के देखा गया कि इसको बनाने के पीछे असली दिमाग किसका है, पर्पस क्या है। जब पता चला कि वो एज अ एजेंट काम कर रही है, तो उस कंपनी को, सब्सिडियरी कंपनी को बदल दिया गया, लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्रेडिटर से लोन ले रखा है, अब क्रेडिटर को लोन पे करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए क्या किया, एक दूसरी कंपनी बनाई और सारे एसेट्स वहां ट्रांसफर कर दिए। तो दूसरी कंपनी है उस पर तो कोई क्रेडिटर है नहीं, तो वहां पे क्या हो गया, द ओनली पर्पस ऑफ मेकिंग द सेकंड कंपनी वाज टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर। तो दूसरे कंपनी का पर्दा उठाया जाएगा, उसके पीछे देखा कौन है एंड अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, इसके बाद क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सबसे लायबिलिटी के बेसिस पे तीन तरह का होता है, बाय शेयर, बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। बाय शेयर मतलब शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसको जो बाय करता है, जितने अमाउंट का शेयर बाय करेगा उतने तक की उसकी लायबिलिटी होगी। दूसरा होता है बाय गारंटी। गारंटी में मतलब क्या होता है, मेंबर अंडरटेक सम काइंड ऑफ अ लायबिलिटी ऑन हिज नेम, भाई ये लायबिलिटी रेज होगी तो यहाँ पैसा हम देंगे, ही गारंटीज फॉर दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी। अब वो बात कहाँ लिखी रहती है, मेमोरेंडम में। एंड आखिरी है आपका अनलिमिटेड कंपनी। यहाँ मेंबर्स के लायबिलिटी टू द एक्सटेंड ऑफ देयर प्रॉपर्टी होती है, अनलिमिटेड होती है, बट पार्टनरशिप से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी रहती है, मतलब एक पार्टनर का एक्ट दूसरे पार्टनर को अनलिमिटेड लेवल पे लायबल कर सकता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक मेंबर का एक्ट दूसरे मेंबर लायबल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को लायबल करेगा, कंपनी का एक्ट एक मेंबर को लायबल करेगा। ठीक है, इंडिविजुअली मेंबर्स एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल नहीं होते। ठीक है, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स वन पर्सन कंपनी होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वन पर्सन कंपनी और चाहे डबल कंपनी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वन पर्सन कंपनी इज द प्राइवेट कंपनी, याद रखिएगा, बट उसमें सिर्फ एक्सेप्शन क्या होता है, सिर्फ एक ही मेंबर होता है, पेड अप शेयर कैपिटल जितना प्रिस्क्राइब कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि इस पे हमने क्वेश्चन भी दिया था, ये वाला देखिए लाइन, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट और इन इंडिया और अदरवाइज हैज स्टेड इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी, शैल बी नॉमिनी ऑफ सोल मेंबर कंपनी। कहने का मतलब आपका मेंबर और नॉमिनी क्या होंगे, रेजिडेंट इन इंडिया और स्टेड इन इंडिया एट फॉर एटलीस्ट 120 डेज होने चाहिए, तभी वो यहाँ पे वन पर्सन कंपनी बना पाएंगे या नॉमिनी बन पाएंगे। ठीक है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन कंपनी, तो एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी आप नहीं बना सकते हैं, ना ही उसके नॉमिनी बन सकते हैं। इसके अलावा आपका इसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक ये है, सच कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, हम लोग सीधे आ जाते हैं प्राइवेट कंपनी पे। व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी जिसमें दो मेंबर होते हैं, व्हिच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। अब यहाँ कुछ कंडीशंस हैं, ये तीन रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कंपनियां फॉलो करती हैं, उन्हीं को हम लोग प्राइवेट कंपनी मानते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। दूसरा क्या है, मेंबर्स 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। एंड तीसरा क्या है, पब्लिक में कोई प्रॉस्पेक्टस इशू ये लोग। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेंबर, ज्वाइंट होल्डर्स को हमेशा वन मानेंगे और किसी इंप्लॉइज को ड्यूरिंग देयर वर्क शेयर्स दिए गए हैं तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे इन द मेंबरशिप। ठीक है, इसके बाद अपन खुद फर्म के आ जाते हैं स्मॉल कंपनी पे। स्मॉल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, नॉट एक्सीड 50 लाख, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। टर्नओवर कितना है, नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब नॉट मोर देन 100 करोड़। ठीक है, इसके बाद फिर से हम लोग आते हैं पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी डिफरेंस सबसे प्यारी है। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड मिनिमम शेयर कैपिटल जितना बताया गया हो उतना। ठीक है, वैसे प्राइवेट के लिए 1 लाख का जब मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 7, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती है, डायरेक्टर 3। इसमें लिखा है
प्राइवेट के लिए आ गया है अगेन, आई विल चेक, हम बता देंगे ठीक है, जो लिखा है उसको भी आप लोग उस एज इट इज रखेंगे ठीक है, एज प्रिस्क्राइब एग्जाम में यही लिखेंगे एज प्रिस्क्राइब ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग सब्सिडियरी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता, ध्यान से पढ़िएगा, कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन और मोर द अदर कंपनी विच इज मीन्स अ कंपनी विच इज विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी टू, तो सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है जिसमें कंट्रोल मिले किसका, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका कंट्रोल मिल जाए या फिर वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मिल जाए, तो एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग हो जाएगी, जिसके ऊपर कंट्रोल मिला है वो सब्सिडियरी हो जाएगी ठीक है। इसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ये चारों बातें आपको याद रखनी है, इसमें होल्डिंग सब्सिडियरी के बारे में कुछ बेसिक बातें कही गई है, नॉट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ये क्वेश्चन याद आ रहा है हमने अभी रिसेंटली टेस्ट लिया था उसमें दिया था, अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ ठीक है। इसके बाद एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी सिर्फ एक बात याद रखिएगा 20% का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, और जिस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो बट होल्डिंग ना हो, मतलब 20% से ज्यादा होल्ड शेयर रखे हो बट 50% ज्यादा ना रखे, उसको हम लोग क्या कहते हैं एसोसिएट कंपनी ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू द कैपिटल, एक होती है लिस्टेड कंपनी जिसमें पब्लिकली पब्लिक शेयर पैसा लगा सकती है थ्रू दी शेयर मार्केट, दूसरा होता है अनलिस्टेड कंपनी, फिर आती है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है जिसमें नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल इसके पास हो, गवर्नमेंट शेड्यूल गवर्नमेंट या दोनों का मिक्सचर ठीक है। इसके बाद फॉरेन कंपनी जो फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई है बनी है, इंडिया में क्या है उसका प्लेस ऑफ, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ चैरिटेबल सेक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको 10 पर्पस यहाँ बताए गए थे, 10 याद होने चाहिए, बड़े आसान थे, पहला क्या तीन था स्ट्रीम आपकी आर्ट कॉमर्स साइंस, दूसरा क्या था पर्पसेस स्पोर्ट्स रिसर्च और एजुकेशन, तीसरा क्या था आपका चैरिटेबल पॉलिटिकल या रिलीजियस, और आखिरी था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये पर्पस याद रखना ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है, ये किसी तरह का डिविडेंड नहीं देते हैं, जो भी इनकम पाते हैं उसी पर्पस को प्रमोट करने में लगा देते हैं, चैरिटेबल कंपनीज को लाइसेंस इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर चाहे तब वो इसको रिवोक कर सकती है, अगर उसको सही लगता है कि हाँ आप रिवोक करने लायक ये काम कर रहे हैं तो रिवोक करो हटाओ यहां से ठीक है। जो इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेगा ये पेनाल्टी भी याद रखनी है, कितने की पेनाल्टी है नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज मे एक्सटेंड टू 1 करोड़, एंड डायरेक्टर्स पे कितने की लाइबिलिटी है पनिशेबल विद द फाइन विच विल नॉट बी लेस देन 25,000 मे एक्सटेंड टू 25, क्लियर है। इसके बाद आगे आइए आगे आइए आगे आइए, ये सब तो बता दिया गया है। डोरमेंट कंपनी इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, डोरमेंट कंपनी क्या होती है ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो गई हो बट कोई बिजनेस ना कर रही, और इनएक्टिव कंपनी कब कहा जाएगा उसको, जब वो 2 साल से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना किया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है 1, 2, 3, 4 क्या क्या नहीं आता, सॉरी ये 4 चीजें नहीं आती हैं, पहला क्या है यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू रजिस्ट्रार, पेमेंट मेड टू इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में नहीं आते हैं, डोरमेंट कंपनी भी इतने खर्चे करेगी चलेगा ठीक है। फिर निधि कंपनी क्या होती है, जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होती है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी टाइप होती हैं, उन्हें हम लोग निधि कंपनी, निधि का पता है ना मतलब तुम लोग को, एक छोटी छोटी कंपनियां बन जाती हैं जो अपने लोगों से लेंगी पैसा और अपने ही मेंबर्स को पैसा देती हैं ठीक है, इन्वेस्टमेंट का ही कंपनी होती है ये ठीक है, समझ में आ रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे होती थी, समझ में आया तुमको, बस कंपनी में रजिस्टर्ड जाएंगे तो निधि कंपनी कहेंगे, कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होंगी तो सोसाइटी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का ठीक है। फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सबको हम लोग क्या मानते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगेन इस पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आते हैं सीधे किस पे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन में सबसे पहले आता है प्रमोटर ठीक है, शिवेंद्र अपने क्लास का है तो शिवेंद्र मेरा सवाल आपसे है, रुक जाइए पूछते हैं सवाल आराम से,
एनीवेज मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग थे, तो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में हम लोग ने सबसे पहले प्रमोटर के बारे में पढ़ा था, कौन था प्रमोटर, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में दे दिया गया और आइडेंटिफाई कर लियो कंपनी इन एनुअल रिटर्न, या फिर वो कंट्रोल करता हो अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर जिसके एडवाइस पे चला गया सेवंथ, जिसके एडवाइस पे डायरेक्शंस पे इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट हो, उनको काम करना ही पड़े। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आती है, मेंबर्स हम लोग जान चुके हैं 2-7-1 है आपका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट पब्लिक एंड 1% कंपनी, मैक्सिमम 1% में वन ही हो सकता है क्योंकि नाम में ही वन है, प्राइवेट में 200 हो सकते हैं जबकि पब्लिक में कोई लिमिट अपर लिमिट नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू फाइल डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, जिसमें सारे मेंबर्स सारे सब्सक्राइबर्स साइन करेंगे, एक डिक्लेरेशन फाइल होगा, कंपनी बनाने के समय में जितनी भी लीगल एक्टिविटीज हैं, जितनी भी लीगल कंप्लायंसेस हैं, उनको पूरा किया गया है बाय एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पाउस अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड बाय द पर्सन एंड बाय अ नेम्ड बाय पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज अ डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, that all the requirement in this act and rules made thereunder in respect of registration are been complied with, ठीक है। इसके अलावा declaration एक और file होगा, subscriber file करेंगे, जो first director बन रहा है वो भी एक declaration file करेगा, किस चीज की, भैया हम किसी भी तरह के moral turpitude या किसी भी तरह के promotion formation या management of the company के किसी भी काम में convicted नहीं है किसी भी गलती के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस दे दोगे, पर्टिकुलर ऑफ ऑफिशियल ऑर्डर दे दोगे, पर्टिकुलर ऑफ अ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल दे दोगे एंड पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल ये भी मेंशन कर दोगे। जब आप सारे कागज सही से फाइल करोगे तो रजिस्ट्रार क्या इशू करेगा आपके लिए, सर्टिफिकेट, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI। इसके अलावा वो आपके नाम पे एक CIN भी अलॉट कर देगा, आपको सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है जब तक कंपनी चलती रहेगी, जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। अगर आपने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अंडर सेक्शन 447। और अगला है कि अगर आपने कोई मटेरियल फैक्ट को छुपाया है, इनकरेक्ट दिया है, झूठ बोला है, तो अगेन आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए 447 में केस चलाया जाएगा। और अगर आप कुछ ऐसा गलत काम करके इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकती है जैसा उसको ठीक लगे, वो मेंबर्स की लाइबिलिटी जो लिमिटेड है उसको अनलिमिटेड बना सकती है, वो डायरेक्शन दे सकती है कंपनी का नाम हटाने के लिए फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, वो वाइंड अप करवा सकती है कंपनी को, या फिर जो भी ऑर्डर सही लगे वो दे सकती है। ऐसा कोई भी ऑर्डर देने के पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सामने वाले पार्टी को अपनी बात रखने के लिए, और उसके अलावा जो भी अलग अलग ट्रांजेक्शन के सिनेरियो हो सकती है उनको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इन सब काम को करने के लिए पहले कई तरह के फॉर्म आते थे, अब सिर्फ एक फॉर्म आता है जिसको कहते हैं हम लोग स्पाइस, ठीक है। एक इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कंपनी एक लीगल एंटिटी हो जाएगी, लीगल एंटिटी होने के नाते वो सेपरेट लीगल पर्सन होने के नाते वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग होगी, अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, सेल कर सकती है, होल्ड कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, किसी के नाम पे स्यू हो सकता है, कोई इसके नाम पे स्यू कर सकता है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, कंपनी की लाइबिलिटी मतलब टू द एक्सटेंड ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी रहेगी, क्लियर है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में भी आप ध्यान से देखोगे ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो। एक होता है नॉमिनल कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, जैसे अगर एक कंपनी हम खोलने का प्लान कर रहे हैं, हमने अपने अथोराइज कैपिटल रखा है अभी सिर्फ 10 लाख रुपए पे, बट क्या 10 लाख रुपए कैपिटल हम लेकर आ रहे हैं, नहीं, हम क्या लेकर आ रहे हैं उसमें से इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल जो 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 फर्स्ट सब्सक्राइबर होंगे जो उस कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे, ठीक है, उनको हम लोग इशूड कैपिटल के लिस्ट में डालेंगे। इशूड में से भी सभी सब्सक्राइबर जरूरी नहीं है, मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन जरूरी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की तरह जितने सब्सक्राइब होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। उस सब्सक्राइब कैपिटल में हमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिलेगी, कुछ पैसा अनपेड रहेगा, तो उसको फिर हम कॉल करेंगे, जितना हमने पैसा मंगवा लिया उसको क्या कहेंगे हम लोग, उस जितना मंगवाया उसमें से जितना मिला उसको हम लोग कहेंगे पेड अप, जितना नहीं मिला उसको हम लोग कहेंगे अनपेड अप, ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं शेयर्स पे, दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंशियल। इक्विटी शेयर होल्डर बेसिकली दो तरह के और होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, सबको एक एक बराबर वोटिंग राइट मिलता है, दूसरा होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, उनको उनकी वोटिंग राइट नॉर्मल वालों के मुकाबले ज्यादा या कम होगी। जैसे कि टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल हमने लिया था, टाटा मोटर्स का एक यूनिफॉर्म वोटिंग राइट वाला शेयर है, दूसरा टाटा मोटर्स का DVR है, इसकी प्राइस आधी है, मतलब 200, सेम कंपनी सेम शेयर,
डीवीआर में क्या नहीं मिलता है, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं मिलता वहां पे, आप सिर्फ शेयर होल्ड कर सकते हो। क्या 222-220 रुपया चल रहा है क्लास के रिकॉर्डिंग के टाइम पे, ठीक है, जबकि टाटा मोटर्स 422-423 पे चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, शेयर्स आर मोबाइल प्रॉपर्टी, ये आप सेल ऑफ गुड एक्ट में भी पढ़े हैं, एंड एवरी शेयर विल हैव अ यूनिक नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा आता है प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल वो होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कंपनी के जनरल डिसीजन मेकिंग में। प्रेफरेंशियल राइट क्या मिलता है, दो, एक डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी वालों से, दूसरा इन केस ऑफ अ रिजोल्यूशन, इन केस ऑफ अ वाइंड अप, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होगा इन कंपैरिजन टू इक्विटी, क्लियर है। इसके बाद आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इट्स अ चार्टर ऑफ अ कंपनी विच कंटेंट द एग्जैक्ट पावर द स्कोप ऑफ द कंपनी इन विच कंपनी कैन वर्क। ऑब्जेक्ट ऑफ री रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम, सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन, बियॉन्ड उसके वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। दूसरा, शेयर होल्डर क्रेडिटर या फिर जो भी कंपनी से डील करना चाहता है उसको कंपनी के पावर के बारे में और एक्टिविटीज के बारे में बताना, ठीक है। तीसरा, शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच देयर मनी हैज बीन टेकन, अगर हम किसी कंपनी में पैसा लगा रहे कंपनी क्या क्या काम करती है मेरे को पता होना चाहिए। और मेमोरेंडम में ही एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें बता देता है कंपनी की वो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या काम करने वाले हैं, तो ये हमारा राइट है। मेमोरेंडम बनाने के लिए हम लोग टेबल ए बी सी डी ई और शेड्यूल वन ऑफ अ कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। ए है आपका लिमिटेड बाय शेयर, बी है लिमिटेड बाय गारंटी, डी सी है लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग अ शेयर कैपिटल, डी है अनलिमिटेड कंपनी और ई है अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर। जिस तरह की कंपनी है उस तरह का हम लोग फॉर्मेट उठा लेंगे। फिर आता है कंटेंट, सबसे पहले होता है नेम क्लॉज जिसमें नाम कंपनी का लिखा रहेगा, ये सेक्शन 8 वाली बातें याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज जिसमें हम बता रहे थे दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्ट होता है एक साइड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी में किस तरह की लाइबिलिटी है, बाय शेयर है बाय गारंटी है, यह बता देंगे। इसके बाद अथॉराइज शेयर कैपिटल का नाम रहता है वहां पे, और एक एसोसिएशन क्लॉज होता है जिसमें सारे फर्स्ट सब्सक्राइबर जो होते हैं वो साइन करते हैं, क्लियर है। इसके बाद आपका एक डॉक्ट्राइन आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होता है, बेसिकली बियॉन्ड दी पावर, कंपनी के पावर के बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी काम कंपनी के बियॉन्ड जाके करेंगे, कंपनी की पावर कहां दी है मेमोरेंडम में, तो उस काम को किसी भी तरीके से वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको वॉइड माना जाएगा, उसकी अप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तीन चीजें याद रखनी है, सबसे बड़ा हमारे पास होता है आउटर ब्रॉड लाइन में कंपनी लॉ, ठीक है। इसी के अंदर आपका रह के क्या बनता है, मेमोरेंडम, और कंपनी को इसी मेमोरेंडम के अंदर में काम करना है, ठीक है। ये नहीं कह सकते सर कंपनी लॉ में तो अलाउ है, अलाउ होगा पर मेमोरेंडम के बाहर आप नहीं जाओगे, वही काम करोगे जो मेमोरेंडम में लिखा है। अब दो चीजें होती हैं, इसी के संग एक और डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ए, और ए बेसिकली मेमोरेंडम के भी अंदर बनता है, ठीक है। अब अगर आप एओए के स्कोप के बाहर चले गए हैं गलती से बट मेमोरेंडम के स्कोप के अंदर में है तो वो रेटिफिकेबल है, उसको रेटिफाई कर सकते हैं। एओ से गलती की है वॉइड है पर उसको रेटिफाई कर सकते हैं बाय दी बाय शेयर होल्डर्स बाय एसआर बाय पासिंग एसआर, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ गया तो आपको पता है क्या करना है, हम बार बार नहीं बताएंगे। अब जो क्या क्या सवाल है पूछो, ये एग्जाम में लेकर नहीं आना, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी के जो रूल रेगुलेशन इंटरनल रूल रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, कंटेन रेगुलेशन, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, कंटेन प्रोविजन फॉर इंटरेचमेंट, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंटरेचमेंट प्रोविजन, नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ इंटरेचमेंट प्रोविजन, एंड क्या फॉर्मेट रहेगा हमारा, ई तक था हमारा मेमोरेंडम, एफ जी एच आई जे क्या रहेगा आर्टिकल, भूल जाएंगे एग्जाम में तो ए से पांच गिनिएगा ई, फिर उसके बाद अगला पांच आर्टिकल के लिए। अब एबीसीडी अगर एग्जाम में भूल जा रहे हैं तो जिस स्कूल जिस कॉलेज में आपका होगा उसमें एक नर्सरी क्लास होगी, उसको जाके अटेंड कर लीजिएगा। एनीवेज, मेमोरेंडम मॉडल आर्टिकल आपको मिल गया है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों चीजें एओए और एमओए पहले से बना के देना पड़ता है, ठीक है। दोनों दोगे तभी आप रजिस्टर्ड हो सकते हो। अंतर पढ़ लेना,
हु नोज की सबसे वाइल्ड चांस है इसका अंतर आना, पर कौन जानता कि यही आ जाए। ये आ गया तो मोती शक्कर के लड्डू चढ़ा देना भगवान को, इससे आसान अंतर आ नहीं सकता है और हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं दिखा के। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यहीं पे आपको क्लास में याद होगा हमने कहा था कि बड़ी ही गलत काम यहाँ आप लोगों के साथ हुआ है, नोट हेडिंग दे दिया इंडोर मैनेजमेंट, टॉपिक शुरू किया कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ऐसा नहीं कि इंडोर मैनेजमेंट नहीं समझाएगा, मगर फिर दोनों को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए था, बट ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है कि बाहर वालों को कंपनी जाके हर एक इंसान को नहीं बताएगी कि हम क्या करते हैं, जो बातें कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई हैं, कंपनी बाय डिफॉल्ट, मतलब हम जी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं बाद में कहेंगे हमको पता ही नहीं कंपनी काम कर सकती है, बट कंपनी जो भी काम कर रही है वो उसके मेमोरेंडम के अंडर में है, तो कंपनी ये वो कंपनी ये कह सकती है कि भाई अगले को हम जाके खुद ही ना बताएंगे, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़कर आए। अगला ये नहीं कह सकता है कि कंपनी ने बताया नहीं, क्या नहीं बताया, पब्लिक डॉक्यूमेंट में देख के जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये आउटसाइडर के अगेंस्ट कंपनी को प्रोटेक्ट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। चाहे उसको पता हो या ना पता हो, अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो मेंशन है ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसको पता होना चाहिए। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसको ट्रंकयार्ड रूल भी कहते हैं, ट्रंकयार्ड वाला केस भी पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही केस। वैसे देखो तो हमने पूरे रिविजन सेशन में हमने केसेस पे बहुत कम इंपॉर्टेंट टिक लगवाया है, पर ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। मतलब ये दो ऐसे केसेस जिसपे इंडिविजुअली इस केस पे ही क्वेश्चन आ जाएगा, और ये दोनों केसेस आपको समझाना भी है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कल्ट्रा वायरस या फिर इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट में कहता है कंपनी के अंदर क्या काम चल रहा है जब तक वो पब्लिक के सामने ना रखा जाए, तो आउटसाइडर को वो पता चल जाए ऐसा कोई अजम्पशन हम लोग नहीं ले सकते। मतलब कंपनी ने जैसे डायरेक्टर चेंज कर दिया, बाहर किसी को बताया नहीं, तो उसके लिए बाहर वाला लाइबल नहीं होगा, कौन लाइबल होगी, कंपनी खुद, ठीक है, क्लियर है। हालांकि द अबव मेंशन्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हैज लिमिटेशन ऑफ इट्स ऑन, ये इन केसेस में, फॉलोइंग केसेस में अप्लीकेबल नहीं होता है। पहला, जब आउटसाइडर को एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज मिल गई थी, तो आउटसाइडर को पता चल गया था कंपनी में क्या हो रहा है, फिर भी ये कहकर चला गया कंपनी ने हमको बताया नहीं और पब्लिक में था नहीं तो हमें पता है। सर आपको पता है, आप इनसाइडर हो तो आप कोई ट्रांजेक्शन आप करोगे तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, आपको इंडोर मैनेजमेंट नहीं बचाएगा। अगला क्या है, आपको सस्पिशन है कि किसी तरह का इरेगुलरिटी चल रहा है, उस केस में भी आपको सस्पिशन है, आप रीजनेबली जानते थे कुछ गलत हो सकता है, फिर भी आप कूदे कुएं में, आप जिम्मेदार हो, आपको नहीं बचाया जाएगा। अगला क्या है, फ्रॉजरी, अगर फ्रॉजरी कमिट की जा रही है, ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू द इरेगुलरिटीज व्हिच माइट अदरवाइज अफेक्ट ट्रांजेक्शन बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द फ्रॉजरी, तो फ्रॉजरी अगर हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, नल एंड वॉइड, ठीक है। मतलब कहने का यहां यह है कि फ्रॉजरी के केस में इंडोर मैनेजमेंट वाली बात नहीं लगेगी, यहां अगर फ्रॉड हुआ है आप फ्रॉजरी का केस करोगे और अपने रिकवरी करोगे, ठीक है। इसी के साथ कंपनी लॉ भी आपका होता है।